पहले पार फिर गान जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा 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 दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा जुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा ले आ गया रे फिर चुम्मा 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 दे दे चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा मुझे हो तो न तुलाल जी जैसी हो और ना बहुत बढ़िया, बहुत खुशी होती है आपको गाते हुए देखकर। मैं नहीं जानता हूँ कि जजेस क्या कहने वाले, उनके उनका क्या नज़रिया होगा, लेकिन जब हम आपको देखते हैं गाते हुए तो बहुत खुशी होती है। और एक बात आई एम श्योर आप सभी ने भी नोटिस की होंगी, जब आप गा रहे थे आपका हाथ का एक्शन हमेशा
ऐसे कुछ ज़्यादा था, जहाँ हमें लग रहा था कि आप वो अपना जो इंस्ट्रूमेंट है उसे मिस कर रहे हैं. इट वॉज लुकिंग सो स्वीट ऑन यू. आदत जो है ना वो पड़ गई है हड़ताल में. लेकिन बहुत अच्छा लगता है. अच्छा मैं बताइए, जिस इंसान ने कभी हिंदी फिल्मी गाने नहीं गाए जी, इस कॉम्पिटिशन में आकर इतने अच्छे अच्छे और सिंगर्स के साथ जब आप ये गाते हैं, आपके लिए ये सफ़र बाकी सबसे और ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा हमारा मानना है. मुश्किल था मेरे लिए, अब तो नहीं है, क्योंकि फिल्मी तो अब तो फोक की तरह लग रहा मुझे. कोई डर नहीं है अभी फिल्मी गानों में. अभी आगे फोक से रॉक बनने वाला हूँ. आप जब बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे, बड़े कलाकार बन जाओगे, इंटरनेशनली आपके शोज लगेंगे बाहर जाकर, और स्वरूप कॉन्सर्ट्स लगेंगे, तब भी आप इसी पहनाव में जाओगे कि रॉक में वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा स्टाइल? जो ये ड्रेस कुर्ता वगैरह है वो रॉक हो जाएगा एकदम, जींस एंटी से. अच्छा, पगड़ी तो रहेगी. पगड़ी रहेगी ना, पगड़ी. रॉक स्टार है. सुपर स्वरूप, मैं इतना कहूंगा कि आज मैंने सभी को सुना है, और मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो गाना गाना, इसको निभाना, तुमने इतना जबरदस्त गाया है इस गाने को कि मैं क्या तारीफ करूं तुम. थैंक यू सर, थैंक यू. और मैं समझता हूं स्वरूप खान, तू सिर्फ राजस्थान की शान ही नहीं है, तू हिंदुस्तान की शान बनने वाला है. और मुझे पता नहीं क्यों ये फीलिंग आ रही है कि चुपके से पतली गली से निकलते निकलते इधर उधर आड़ी गलियों से निकल के कहीं इंडियन आइडल तू ना बन जाए यार. थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. सुनीति जी, क्या है ना कि आपकी आवाज़ में, आई नो आपके हाथ में भी करताल नहीं है, लेकिन आवाज़ में आपकी एक करताल है. आपने एक सिंपल गाने को सिंपल गाया, बहुत अच्छी बात है. कोई अपनी रागदारी उसमें, कुछ अपनी बातें हरकत नहीं की आपने, जो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो जो इतना फोक अच्छा गाने वाला सिंगर हो, उसके अंदर मन में आता है मैं यहाँ भी थोड़ा सा तो दिखा दूँ अपना कमाल. बहुत कुछ आया था मेरे में. हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपके आपकी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल करके जो गाया है वो बहुत काबिले तारीफ है. अब तो कोई मुड़ना है ही नहीं पीछे. कुछ भी हो, चाहे आपको ऑडियंस की तालियों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे, आपको अपनी आवाज़ आए ना आए, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम. आपको अपना काम करना है, तो आप बेसिकली बिल्कुल, तो आप अपना काम जानते हैं बिल्कुल, लेकिन सुर आपके हाथ में है, वो ना ऑडियंस के हाथ में ना बैंड के हाथ में. ठीक है ना, तो वो आप कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए. सलीम सर, स्वरूप, लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत वोट कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं. जब आप आलाप लेते हो तो भगवान दिखता है हमको, अल्लाह दिखता है. थैंक यू. लेकिन लोअर नोट्स का रियाज बहुत जरूरी है. बिल्कुल सर. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.